नमस्कार दोस्तों, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केपी न्यूज लाइव 24 आवाज जनता की। इस बात की बड़ी खबर है, दो व्यक्तियों के ऊपर जानलेवा हमला। जी हां, यह खबर थाना रामपुर के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरदेला से है, जहां पर शिव प्रसाद साकेत पिता शिवनाथ साकेत उम्र 40 वर्ष, राजकुमार साकेत उम्र 43 वर्ष। आपको बता दें कि शिव प्रसाद साकेत के द्वारा फसल की गहाई को लेकर राम श्रीवन तिवारी के से वार्तालाप कर रहे थे। तभी राम श्रीवन तिवारी पिता राम निरंजन तिवारी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जब शिव प्रसाद साकेत के द्वारा समझाने की कोशिश की गई तो राम शिरोमन तिवारी द्वारा 4 से 5 आदमियों को बुलाकर शिव प्रसाद साकेत के साथ डंडे से मारपीट करने लगे और साथ ही शिव प्रसाद साकेत की मोटरसाइकिल तोड़ने फोड़ने लगे। तभी शिव प्रसाद साकेत अपनी जान बचाकर घर की ओर भागने लगा। घर पहुंचते ही शिव प्रसाद साकेत अपने घर पर घर वालों को बताया। शिव प्रसाद साकेत भाई राजकुमार साकेत शिव प्रसाद को लेकर पूछताछ के लिए राम शिरोमन तिवारी के पास पहुंचे। तभी राम शिरोमन तिवारी एवं उसके आदमी द्वारा गाली गलौज करते हुए फरसे से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें शिव प्रसाद साकेत एवं भाई राजकुमार साकेत दोनों के ऊपर गंभीर चोटें आईं, जिससे घायल अवस्था में परिजनों द्वारा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रामपुर ने की जिला सीधी में भर्ती कराया गया। प्राण घातक हमला करने वाले व्यक्तियों के नाम राम शिरोमन तिवारी पिता राम निरंजन तिवारी, आशीष तिवारी पिता राम शिरोमन तिवारी। कहाँ से हो? क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे साथ घटना घटी जी थी मार्केट में, मतलब खेत में, खेती में वहाँ से मालूम उनको बातचीत होती रही थी। तो दूसरे पंडित जी से बात हो रही है, दूसरा है तो बोला है कि मतलब खेती बाड़ी, मतलब भाई तुम क्या करते है, मतलब खेती से बोल ना दिए का बोल के बाद दिया भाई, मतलब गहाई जो होती तो गहाई कहीं ना दिया, तो बता इस बगल वाला जो हम किचन से बात करें तो कैसा भाई गहाई याद होती है, लेकर भी बात आए। उसके बाद वो कहीं तो हम अपने खेत में तेल तार लगाए हैं तो तुम लाइट चेक करे हो गए नहीं, तो हम कहें सिर्फ काम मतलब चेकअप करे इसे ये बात रही है। उसके बाद वो कहीं इसके चल हम तुम्हें बताए तो हम कहते कौन तिवारी राज भोले तिवारी भोले तिवारी। उसके बाद बातचीत होते रही है, वो कहीं तो हमारे खेत में रोड में घर बना है, खेत में मड़ाइए बना है, तो हम कहें तुम्हारे रोड में मड़ाइए घर खेत में नहीं बना, रोड में बना है। कौन बोला? हम बोला, वो पहले बोली सिर्फ तो हमारे खेत में मड़ाइए बना है तिवारी भोले तिवारी। हाँ, फिर हम कहें के मतलब हुआ भाई तुम्हारे में नहीं बना जमीन में, हम रोड में बनाए शासन कह जो करे खुद कह लेते हम जरूर कह दिया वही। वो कही चल हम तुमको बताते थे, कहीं हम कहना हम जो घर को तू चला करे थे घरे की बात में, वो पकड़ ली समय ही पकड़ ली तो लीजिए तकान वो समझे नहीं पान कि अपने घर में फोन कहे डंडा उंडा मंगाए हैं। जब हम वहाँ से कुछ दूर चले ना ट्रैक्टर लगा रहा, मैंने बात कहें पंडित शुक्ला से, वो शुक्ल नीलम्बर शुक्ला से उससे बात करा रहे, तो उससे जब दूरी आन थी पकड़ ली नहीं। कौन पकड़ लिया? वो भोले तिवारी को समझे नहीं पान बात कहाँ है, बाद में समझे पान की मारे के रूम जब डंडा दिखा तो वही आवा के नहीं मरी नहीं, हम झटक के भागन तो पकड़ ली नहीं, पकड़ ली हमको तीन डंडा जल्दी जल्दी हमारी तीन डंडा हमारी वही। उसके बाद भाग दिया, जब भाग दिया तो वहाँ टिकट रहे माँ गाड़ी फोड़ डाले समझ के लिए देख सबको हेलमेट वेलमेट सब मेरा आ गया कुछ पता ही नहीं। हाँ, इसके बाद हम घर भग गए, जब वहाँ से आए जब भाई बंद सब हमारे घर के परिवार हमारा बगल टोला टोला के जो रहे बस्ती के रहे, तब जब आए तो मतलब समझौता में गए तब वह नहीं दिखे पान की मतलब हर साल हेट आ गई रहे, ये तो नहीं मने निरूप में नहीं रहा समझावे के रूप में गए रहे, तब वह फिर बार करे ला फरसा से जब उनके ये कचरे बड़े भैया पूछे कहीं न भाई का है मारे मेरे भाई का, तब वह इतना काम है तू फरसा चालू कह दी से मारा फरसा मारिस तीन फरसा एक फरसा मारिस तो कम लाग दूसर फरसा लाग उनके तीसर फरसा मारी तो फिर फरसा गया टूटी पे बेट उनके लगता मुँह में। इसके बारे में पुलिस को कंप्लेन की आपने? हाँ, पुलिस को कंप्लेन किया, पुलिस बस वो जो भर दे दिया है रिपोर्ट बस हो गया। किसके किसके नाम पे रिपोर्ट लिखी गई? तीन आदमी की रिपोर्ट है, पर एक आदमी को लिखे नहीं जो फरसा चला उसका बाप मतलब। क्या नाम है उसका? उसका नाम मैं बता रहा हूँ, नाम है शिरोमन तिवारी। इसका नाम नहीं लिखा गया? राम शिरोमन तिवारी। इसका नाम नहीं लिखा गया? उसका नाम नहीं लिखा गया, मैं वहाँ पे लिखा रहा था तो बोल रहे थे मुंशी जी कहते क्यों हल्ला करता है, कि हम कहे राम शिरोमन तिवारी ने फरसा मारा है, बोले क्यों हल्ला करता है तू, हम लिख रहे हैं रिपोर्ट बस हो गया। कहाँ से है?
क्या घटना घटी, कितने समय की बात है? शाम के 6 बजे हम हाथ पांव धो रहे हैं अपने घर वहीं, तो मान भाई तुम्हारी कौन मारा? भोले तिवारी और सुजीत तिवारी, ये दोनों मारे के रूप मारी। तो हम भाई हमारे घर हरे, हमका बताए तो हम कहें कि काहे मारे, तो फिर हम लड़कियान भाई का है कि भाई गुरु बाबा बात करत रहेंगे, गुरु बाबा अपना काहे मारन इतने माही राम शिरोमन तिवारी फरसा डंडा इन सब लड़कियों के घर भरे के सब लाए रहे, और हम पचे कुछ नहीं ले रहे, खाली हाथ रहे समझावे के रूप में कि भाई काहे मारन कौन कारण से मारन, गलती करे रहा तो हमका बताई, तो हम फोका समझाई ये रूप में हम गए रहे। तो राम शिरोमन तिवारी फरसा लाए रहे, दो तीन फरसा मारे, एक फरसा मारी भाई के, तो भाई के हाथ में लग दूसर का मारी तो हम पकड़न तो हमारा हाथ कट गया, तीसर मारी मूड़े में तो फरसा के बेल्ट टूट के फरसा पीछे गिर गया, डंडा लग गया मूड़े में। इसके बारे में पुलिस को कंप्लेंट की? अपने कंप्लेंट की है ना भाई, कौन इंक्वायरी नहीं चली है, सिर्फ अजमने के नाम राम शिरोमन तिवारी के नाम वो नहीं लिखा, जब फरसा चला इसी नाम नहीं लिखा है। इस क्यों नहीं लिखा गया? अब पता नहीं, अब हम बतान है, अब नहीं लिखेंगे, अब हम अब दांत दपट्टी तो लिखत रहे तब पता है। कहाँ कहाँ चोट आई है? चोट हमारे हाथ है में आई है, अंगूठा कट गया है और नहा कट गया है, पूरा ये 5-6 टाँका लगे हैं। बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया आपकी मदद? हाँ, को नहीं रहा यार, वो पब्लिक बहुत रही है हमारे सब बस्ती के हमारे रहे, लेकिन अब वो सब समझौता में रहे, मारे के रूप में कोई नहीं रहा।